शरीर में किसी भी तरह की गांठ को आयुर्वेद में गुल्म कहा जाता है। अब बहुत बार हमारे शरीर में कहीं ना कहीं गांठ बनी जाती है, जैसे कि पेट में, छाती में, हाथ में, या फिर महिलाओं में खास करके PCOD या गर्भाशय में गांठ हो जाना, ब्रेस्ट में गांठ हो जाना। हमारे देश में 5 में से हर 1 महिला के शरीर में किसी न किसी तरह की गांठ जरूर है। शुरू शुरू में तो हम गांठ को नजरअंदाज करते हैं क्योंकि ये छोटी होती है, पर जैसे जैसे ये बड़ी होने लग जाती है वैसे वैसे ही हमारे दिमाग का टेंशन बढ़ना चालू हो जाता है। और बहुत बार दिमाग में ये ख्याल आता है कि ये गांठ शरीर में आ कहां से गई और मुझे ही क्यों हुई। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि शरीर में गांठ क्यों बनती है, उसके मुख्य कारण, शरीर में गांठ किस तरह बनती है ये भी, और उन गांठों में आपको क्या इलाज या चिकित्सा करनी चाहिए। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। स्वागत है आप सभी का ओज आयुर्वेद में, जहां हम बात करते हैं केवल आयुर्वेद की या उन्हीं चीजों की जो आयुर्वेद की संहिताओं में लिखी है। और आज हम बात कर रहे हैं गांठ, रसौली या फिर सिस्ट की। आयुर्वेद में इसे गुल्म कहा जाता है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि गांठ होती क्या है। आपने साबुन के बबल्स या झाग जब हम करते हैं तो उस समय जो बुलबुले उठते हैं उसे जरूर देखा होगा। उसमें क्या होता है कि बाहर से एक लेयर होती है और अंदर हवा भरी रहती है। या फिर आपने गर्मियों के टाइम पे खेत में मिट्टी के गोले जरूर देखे होंगे। अब यह गोले क्यों बनते हैं, तो गर्मी के समय में पानी सूख जाता है, रूखापन आ जाता है और उसके कारण मिट्टी के गोले बनते हैं। कुछ ऐसा ही कहना है आयुर्वेद का कि जब जब आपके शरीर में रूखापन या फिर रुक्षता बढ़ेगी, सूखापन बढ़ेगा, तब तब आपके शरीर के अंदर जो वात वायु होती है वो बिगड़ जाती है और शरीर में गांठ बनाने का काम करती है। अब यह वायु क्यों बिगड़ती है, उन कारणों को जान लेते हैं। आचार्य चरक ने चिकित्सा अध्याय 5 में गांठ बनने के कुछ विशेष कारण बताए हैं। पहला कारण तो वो यह कहते हैं, वेग धारण करना, अर्थात जो नेचुरल अर्जेस होते हैं, जो प्राकृतिक वेग होते हैं, जैसे कि यूरिन, पेशाब का वेग, या फिर अपान वायु, गैस का वेग, मल का वेग, या फिर भूख, प्यास, इन तरह के जो वेग होते हैं, जब व्यक्ति इन वेगों को धारण करता है तो उन धारण करने से, धारण करना अर्थात रोकना, जब कोई व्यक्ति जबरदस्ती इन नेचुरल जो अर्जेस है, वेग है, उसे रोकता है, तो रोकने के कारण शरीर में मल इकट्ठा होना शुरू हो जाता है और यह मल धीरे धीरे गांठ का रूप धारण कर लेता है या फिर शरीर में गांठ बन जाती है। दूसरा एक कारण ये बताते हैं कि भूख लगे होने पर पानी पीना। बहुत से लोग ऐसे हैं जब खुलकर भूख लगी होती है उस समय पर पानी पीते हैं, ऐसा करने से अग्नि मंद हो जाती है और हवा विकृत होती है, जिससे कि शरीर में बहुत बार गांठें बन जाती हैं। और तीसरा कारण कहते हैं रूखापन या फिर ड्राइनेस। ऐसे लोग जो ये कहते हैं कि जीरो फैट, जीरो ऑयल, या फिर हम लोग तेल घी नहीं खाते, हम तेल घी से दूर रहते हैं, ऐसे सभी लोग जिनके शरीर में रुक्षता ज्यादा बढ़ती है क्योंकि वो ना तो तेल शरीर पे लगाते हैं और ना ही खाने में घी का ठीक से प्रयोग करते हैं। तो जब जब आपके शरीर में रुक्षता बढ़ेगी, वो चाहे AC में रहने के कारण हो, तेल घी ना खाने के कारण हो, या बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग करने के कारण हो, तो जब जब शरीर में रूखापन या रुक्षता बढ़ेगी, वो जाके वायु को बिगाड़ेगी और यह वायु वात और पित्त के साथ मिलकर शरीर में गांठ बनाने का काम चालू करते हैं। अब यही शुरू शुरू में बनने वाली गांठ आगे चल के कैंसर या फिर TB की गांठ, ऐसी कई बड़ी बड़ी बीमारियों को भी जन्म देने का काम करती है। तो आप इन गांठों में क्या कर सकते हैं या किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और किस तरह की चिकित्सा करानी चाहिए, अब उसके बारे में हम जानते हैं। सभी तरह की गांठें, चाहे वो महिलाओं को PCOD हो या कैंसर की गांठ हो या फिर गर्भाशय, ब्रेस्ट, इन सभी जगहों पर गांठ हो, आयुर्वेद में 5 तरह की गांठ कही गई है। इन सभी में सबसे जो पहली चिकित्सा है वो है निदान परिमार्जन, अर्थात जिस कारण बीमारी हुई है उन बीमारी के कारणों को खत्म करना।
जैसे कि प्राकृतिक वेग, यूरिन, लैट्रिन, इन सब के वेगों को कभी नहीं रोकना चाहिए। और शरीर में रूखापन न आए इसके लिए रोज शरीर पर तेल की मालिश करना और खाने में घी का प्रयोग जरूर करना चाहिए। नंबर दो, ये जो हवा बिगड़ी हुई है इस हवा का इलाज करें। जैसे कि चरक ऋषि ने कहा कि शरीर में गांठ बनने का जो मुख्य कारण है वो हवा का बिगड़ना है, तो इस हवा को हमेशा नॉर्मल रखें। तो हवा को कैसे नॉर्मल रख सकते हैं, इसके बारे में आयुर्वेद में लिखा है, हरड़ हरीतकी एक ऐसी औषधि है जो हवा को अनुलोम करने में बेस्ट है। आपके शरीर में किसी भी तरह की हवा बिगड़ी हो, आयुर्वेद में 5 तरह की वायु या हवा कही गई है, इनमें से किसी भी प्रकार की वायु अगर आपके शरीर में बिगड़ी है तो उसके लिए जो हरड़ है वह सर्वश्रेष्ठ दवा है, क्योंकि ये सभी प्रकार की बिगड़ी हवा को एकदम नॉर्मल कर देती है और ठीक करने का काम करती है। तो रोज खाना खाने से पहले 1/4 या आधा चम्मच हरड़ का पाउडर लेके उसे 1 चम्मच घी में मिलाकर खाना चाहिए, या फिर आप हरड़ को घी में सेक कर रख भी सकते हैं और खाना खाने के पहले थोड़ी सी घी में सेकी हुई हरड़ खा के गर्म पानी पी सकते हैं। ऐसा करने से शरीर के अंदर जो कोई भी हवा बिगड़ी है वो नॉर्मल हो जाएगी और जो कुछ भी मल, विष या टॉक्सिन्स इकट्ठा हैं धीरे धीरे वो बाहर निकलने लग जाएंगे। तीसरी चीज जो चिकित्सा के लिए करनी चाहिए वो है नित्य विरेचन। अर्थात पहले के वैद्य ऐसे करते थे आज से लगभग 60-70 साल या 100 साल पहले कि वो रोगी का पेट साफ सबसे पहले जरूर कर देते थे और हर 2-2 महीने में एरंड या कैस्टर ऑयल जो होता है उसे पीने की सभी घरों में परंपरा थी। बहुत से माँ बाप बच्चों को थोड़ी मात्रा में 2-2 महीने में 1 या 2 चम्मच एरंड तेल पिलाते थे जिससे कि उनका पेट साफ हो जाता था। तो हर 2 महीने में अपने नज़दीकी किसी भी आयुर्वेदिक डॉक्टर से मिलके आपके लिए पेट साफ करने की कौन सी दवा अच्छी है वो आप ले आइए और हर 2 महीने में एक बार अपने पेट की सफाई आप जरूर कीजिए। ऐसा करने से मल शरीर से निकलेगा, हवा नॉर्मल होगी और जो शरीर में गंदगी या टॉक्सिन्स इकट्ठा हो रहे हैं वो इकट्ठा नहीं होंगे और आप गांठ से भी बचे रहेंगे। चौथी जो विशेष चीज है वो है पंचकर्म। आयुर्वेद में हवा को ठीक करने के लिए, क्योंकि सभी गांठें हवा के बिगड़ने के कारण ही होती हैं, उसको ठीक करने के लिए जितनी भी चिकित्सा है उसमें पंचकर्म में जो बस्ती चिकित्सा कही गई है वो सर्वश्रेष्ठ है। बस्ती अर्थात एनीमा। अब पानी वाले एनीमा की हम बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पानी के एनीमा से और शरीर में रूखापन पैदा होता है। आयुर्वेद में कुछ विशेष तेल कहे गए हैं और कुछ विशेष काढ़े कहे गए हैं, अगर उसकी बस्ती ली जाए तो आपके शरीर में कभी भी वायु बिगड़ेगी नहीं। बस्ती अर्थात जो मल द्वार है या जो लैट्रिन का मार्ग है वहां से कुछ विशेष औषधियां चढ़ाई जाती हैं जो शरीर को पोषण देती है, हवा को नॉर्मल करती है और कई असाध्य बीमारियां, खास करके महिलाओं को जो PCOD, फाइब्रॉइड यूटेरस या पेट के आसपास के जो भी कैंसर होते हैं या कैंसर की गांठें बनती हैं उसमें ये एक संपूर्ण चिकित्सा है। तो नियमित बस्ती का प्रयोग जरूर करें। आप बस्ती चिकित्सा घर पे भी कर सकते हैं, किसी भी नज़दीकी आयुर्वेदिक डॉक्टर से मिलकर आप इसे सीख लीजिए और अपने घर पे आप रोज शाम को भोजन के बाद बस्ती का इलाज कर सकते हैं। नंबर 5, ऐसा खान पान करना जो शरीर में गांठों को कम करने का काम करे, जैसे कि चूने का पानी। जो पान में खाने वाला चूना है वो गांठों में एक अच्छी दवा माना जाता है। तो 1 गेहूं या चने के दाने के बराबर चूना लेके उसे पानी में, दाल में, रोटी में, किसी में भी दिन में एक बार मिलाकर खाना चाहिए। राजीव भाई दीक्षित ने अपने सभी व्याख्यानों में चूने की बहुत प्रशंसा की है। साथ ही साथ छाछ पीना गांठ कम करने का एक अच्छा तरीका है। खाने में परवल, सहजन या फिर बैगन, इन सभी की सब्जियां खाना भी शरीर में गांठों को कम करता है। तो इंटरनेट पर आपको ऐसे बहुत से वीडियोस या ऐसे लोग मिलेंगे जो कहेंगे 15 दिन में गांठें ठीक, 20 दिन में गांठें ठीक, एक नुस्खा और सभी गांठ खत्म। उन सभी लोगों से बच के रहें, क्योंकि उनमें ज्यादातर इलाज कम और बोल बच्चन ज्यादा होता है। गांठ होने पर अपने नजदीकी आयुर्वेदिक डॉक्टर से संपर्क जरूर करें
और इस वीडियो में जो चीजें बताई गई है उसका पालन विशेष करें, खास करके पंचकर्म में कही गई बस्ती चिकित्सा की। आपको किसी भी तरह की गांठ हो, वो चाहे कैंसर की गांठ हो, गर्भाशय में गांठ हो, पीसीओडी हो, ब्रेस्ट में गांठ हो, उन सभी गांठों में आयुर्वेद की बस्ती चिकित्सा आपको मदद जरूर करेगी। यह वीडियो आपको कैसे लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए, और आयुर्वेद से जुड़ी ऐसी ही शुद्ध जानकारियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।